वार्ड संख्या 58 पहला महमूदाबाद से जिला पंचायत सदस्य हेतु शिव दुलारी पत्नी रामाधार भार्गव पूर्व ब्लॉक प्रमुख पहला 2010 में रह चुकी हैं। आज हम इनके साथ हैं और हमारे साथ रामाधार भार्गव जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख इनकी पत्नी रह चुकी हैं, तो क्या क्या कार्य किए हैं और क्या करेंगे आगे जनता के लिए, अगर इन्हें जनता चुनती है। सपा ने इन्हें समर्थन दिया है अपना और इन्हें अपना प्रत्याशी चुना है। रामाधार जी बताइए, क्या विकास कार्य कर चुके हैं और क्या करेंगे? बहुत विकास कार्य किए, सड़क पुल पुलिया खरंजा नाला मंत्री जी के माध्यम नरेंद्र सिंह वर्मा के माध्यम से बहुत सारे काम अखिलेश यादव की मौजूदगी में बहुत सारे काम किए गए। कहीं बकाया नहीं है, जिस रास्ते से जाएंगे वो माननीय अखिलेश जी के बनाए रोड व पुल पुलिया व नरेंद्र सिंह महेंद्र के बनाए हुए रास्ते बहुत सारे काम कर डाले हैं। तो अब अगर जनता आपको चुनती है तो क्या क्या विकास आगे के लिए क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के जो चुनती है हमको, चुन करके लाती है, तो हम बहुत सारे विकास करेंगे। जो मार्ग जुड़े नहीं, एक दूसरे गांव से गांव जोड़ता हूँ। आगे जो ये गड्ढा में सरकार कहा था वो कर पाई नहीं, वो सब पूरे करेंगे और सारे जनता के विकास करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं और जल की क्या व्यवस्थाएं हैं आपके क्षेत्र? स्वास्थ्य सेवाएं माननीय मंत्री जी माननीय अखिलेश जी के बनाए जितने अस्पताल पड़े हैं उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। ये सरकार निष्ठा झूठ बोलती है, साथ बोलती नहीं कुछ, सब बराबर झूठ बोलती चली आ रही है, एक बात ही साथ नहीं बोलती है। जितने अस्पताल बनाए पड़े हैं, अस्पताल स्कूल, उसमें ना मास्टर हैं ना अस्पताल में डॉक्टर हैं, कुछ भी नहीं है। ऐसे सब अधूरे पड़े, निष्ठा झूठ बोलती चली आ रही है। तो आगे के लिए क्या आपके विचार हैं इसमें? क्या हमारी अखिलेश जी की सरकार बनी तो संभव है कि पूरे ये सब चालू हो जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जनता से आप अपील क्या करना चाहते हैं? जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि अखिलेश की सरकार बने, बहुत सारे विकास अखिलेश की सरकार में हुए और जितने विकास हुए, जितने अधूरे पड़े हैं अखिलेश की सरकार में उतने ही पड़े हैं, बाकी ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। उन्हीं के जो कार्य योजना बनाई थी उसी में उलझ रही है, कुछ आगे बढ़ नहीं पाई। एक रास्ता पुल पुलिया खड़ंजा नाला और नलकूप कुछ भी नहीं लगा पाई। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि जनता आपको सराहे और आपको मत दे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे काम किए माननीय मंत्री जी के माध्यम से, बहुत सारे काम किए। यही जनता से अपील करता हूं कि अगर हम जीत करके आए तो जनता की मांगों को हम पूरा करेंगे। और यही जनता से निवेदन है कि बार बार प्रणाम करता हूं जनता से कि हमको बहुत भारी मतों से जिताए और जनता के बताए रास्ते पर मैं चलूंगा। और माननीय पार्टी के बताए रास्ते, अखिलेश सिंह यादव के बताए रास्ते, माननीय मंत्री जी के बताए रास्ते पर चलूंगा और सारे विकास करूंगा। आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और किस चुनाव चिन्ह से आप लड़ रहे हैं? आपकी पत्नी हैं वार्ड संख्या 58 से, बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह कैंची है, वार्ड संख्या 58 से, श्रीमती शिव दुलारी। विरोधी पोस्टर पर पोस्टर चिपका रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही, विरोधी निकलना मुश्किल कर रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता जैसे हैं, जैसे बराबर उन्होंने बताया कि पोस्टर पर पोस्टर लगाओ हैं और सबको तबाह कर दो हैं, पर्चा खारिज करवाने में लगे हैं और ये अपने पूरे जिले को तबाह कर रखा है। और जहां देखो तहां पोस्टर पर पोस्टर लगवाते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं और खुद अपना बच नहीं पाए हैं और दूसरों को परेशान कर रखा है। हमारे साथ मौजूद थे रामाधार भार्गव, इनकी पत्नी राम दुलारी, वार्ड संख्या 58 से चुनाव लड़ रही हैं जिला पंचायत सदस्य। हमने इनसे बात की और इन्होंने अपने क्षेत्र की जो विकास कार्य कराए हैं वो बताए हैं और इन्होंने अपनी समस्याओं को भी बताया है जो कि क्षेत्र में इन्हें समस्याएं हो रही हैं और जनता से अपील भी की है।